नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे स्टॉक जिसके बारे में मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। जैसा कि मैं हर वीकेंड पर आपके लिए दो स्टॉक्स लेकर आता हूं, जिसमें मैं उसमें आपको उसका सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना बताता हूँ, रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी बताता हूँ, उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बताता हूँ, उसमें स्टॉक का मतलब बिहेवियर समझाता हूँ कि उस स्टॉक किस तरह से बिहेव करता है, वो स्टॉक किस तरह से मूवमेंट करता है। तो लास्ट टाइम मैंने जो है वीडियो बनाई थी पेंट सेक्टर के ऊपर, जिसमें मैंने बर्जर पेंट और जो है एशियन पेंट के बारे में बताया था, और बर्जर पेंट का मैंने जो है आप लोग को बताया था तो 525 रुपये के ऊपर मैंने बाय करने का सलाह दिया था, तो 525 का वो ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब वो स्टॉक नियर अबाउट 550 से प्लस के प्राइस पर चल रहा है। तो उसमें जो है अब अगर कोई मेरा भाई पोजिशनल बनाना चाहता है तो उसको 525 530 पर उसको पोजीशन अगर बनाई होगी तो उसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक अभी जो है काफ़ी अच्छी मूवमेंट और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देके जाने वाला है। तो अब आइए देखिए, मैं आप लोगों को जो है एसीसी सीमेंट आज मैं जो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वो है एसीसी सीमेंट और जो है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो आज मैं सीमेंट सेक्टर के ऊपर आपको मैं एनालिसिस करके बताऊंगा एसीसी का और अल्ट्राटेक सीमेंट का, आपको मैं बिहेवियर समझाऊंगा कि ये स्टॉक किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से इनकी मूवमेंट होती है, किस तरह से हम इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको हर वीकेंड पे जो है लर्निंग कराने की कोशिश करता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि आप लोग को स्टॉक में क्या देखना चाहिए, किस तरह से जो है इसमें टेक्निकल ड्रॉ करना चाहिए। तो देखिए, टेक्निकल ड्रॉ करना ही मार्केट में सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपका टेक्निकल और आपके जो है ड्राइंग अच्छी है, जो आपने इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये सब अच्छे ड्रॉ कर रखे हैं, तब आप जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम एसीसी सीमेंट से। तो चलिए हम इसको भी ले लेते हैं, जैसा हम अपने स्टॉक टॉक में बात करते हैं साल का या 1.5 साल का हम जो है लेकर चलते हैं। तो चलिए आइए अब जो है हम इसमें लेकर चलते हैं नियर अबाउट ले लेते हैं, चलिए हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा है जून से। तो चलिए अब हम इसमें जो है स्टॉक एनालिसिस अपनी शुरू करते हैं और आप लोग को जो है समझ आएगा। मैं बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आइए हम यहाँ पर अब शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले मैं इसके ये सब सेटिंग वगैरह सही कर लूँ कि आप लोग को जो है देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर मैं ये कर लिया और इसको मैं है थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। चलिए तो ये देखिए, अब यहां से हमने शुरू किया है। तो ये देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमको ये देखिए सपोर्ट मिल रहा है। ये स्टॉक जो है ऊपर से आते हुए फर्स्ट टाइम इसने यहां पर सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम देखिए फिर इसने 1200 जो है 60 रुपये पर सपोर्ट लिया, और थर्ड टाइम इसने फिर जो है फिर 1260 पर सपोर्ट लिया। तो यहां पर देखिए, जो ये पहला और ये दूसरा, जब ये पहली बार यहां पर स्टॉप यहां पर जिसने सपोर्ट लिया था, सेकंड टाइम देखिए ये ऊपर कहां तक गया, ये गया 1365 रुपये तक, मतलब 100 रुपये की मूवमेंट दी, और उसके सेकंड टाइम फिर यहां पर आया। तो यहां पर देखिए हमको एक डबल बॉटम पैटर्न मिल गया, और डबल बॉटम पैटर्न मिलने के बाद यहां पर एक हमको हैमर मिल गया। देखिए हैमर, हैमर जो कि एक बुलिश का बहुत अच्छा साइन होता है। तो यहां से देखिए ऊपर गया, अब देखिए यहां पर जो इसने रेजिस्टेंस लगाकर जो ये नीचे आया था, हम यहां पर भी एक जो है रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे नियर अबाउट यहां पर, ठीक है। तो देखिए यहां से जब यहां पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहां पर गया, फिर जो है इसी नियर अबाउट 1260 के लेवल पर आया। 1260 के लेवल के आने के बाद फिर देखिए ये जो है 1365 पर गया, और फिर इसी लेवल से जो है ये फिर रिवर्स कर गया। उसके बाद फिर इसने एक फेक ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट देने के बाद थर्ड टाइम जो है इसने फिर 1260 के लेवल पर जो है सपोर्ट लिया। तो यहां पर देखिए अब क्या हो रहा है, यहां पर एक हमको रेक्टेंगल, हमको एक डार्वस बॉक्स, हमको यहां पर इस तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है, डार्वस बॉक्स टाइप का पैटर्न। तो यहां पर देखिए एक आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए एक कितना अच्छा जो हैमर कैंडल बनी है। तो ये हैमर कैंडल मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जो एक बहुत अच्छा बुलिश का एक साइन होता है। और यहां पर होने क्या, देखिए इसने जो है इसका ब्रेकआउट दे दिया, गैप अप ओपनिंग, काफी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, जो 1313 रुपये से लेकर 1400 रुपये पर, नियर अबाउट 80 से 85 रुपये की जो है गैप अप ओपनिंग यहां पर हुई, और इस स्टॉक ने यहां से कंटिन्यू ऊपर चलना चालू कर दिया।
अब देखिए ये यहां पर क्या हो रहा है, ये स्टॉक कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब जो ये स्टॉक, ये देखिए यहां से इसने ऊपर चलना चालू किया तो यहां पर आके इसने सपोर्ट लिया इस लेवल पर। ये देखिए यहां पर पीछे भी जो है, मैं थोड़ा पीछे करके दिखा रहा हूं, यहां पर इसने पहले भी सपोर्ट लिया था तो सेम इसी जगह पर आके इसने सपोर्ट लिया। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक अपनी ये सपोर्ट ड्रॉ कर ली। अब देखिए यहां पर सपोर्ट लेने के बाद ये फिर ऊपर की तरफ गया है और सेकेंड टाइम आकर फिर यहीं पर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर यहां से ऊपर की तरफ निकला, ऊपर जा रहा है, फिर उसी लेवल पर आकर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब ऊपर जाने के बाद यहां पर देखिए हमको एक पीछे यहां पर रेजिस्टेंस था, ठीक है ना, आप पीछे यहां पर देख रहे हैं जहां से मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो यहां पर हमको एक रेजिस्टेंस हमको यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए यहां जब डार्वस बॉक्स बना है तो इसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, इसने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नियर अबाउट 7 टाइम्स यहां पर जो है इसने इस सपोर्ट लेवल पर जो है सस्टेन किया है। 1520 रुपए के लेवल पर, 1520 रुपए के लेवल पर करने के बाद फिर जो है फिर यहीं पर नीचे आ गया है। अब ये देखिए नीचे कहां तक आया है, नीचे ये देखिए नीचे हमने ये जो रजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी थी इसको हम जो है एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड करने के बाद ये देखिए एग्जैक्टली यहीं पर आके इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ये देखिए, और यहां पर जो हमने ये ड्रॉ करके रखा है इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। मैं आपको धीरे धीरे करके समझाते जाऊंगा, आप जरा इसको गौर से देखिएगा। तो ये देखिए इस रेजिस्टेंस पर इसने जो है यहां पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया और लास्ट टाइम नियर अबाउट आकर यहीं पर कुछ रेजिस्टेंस इसने फेस किया है। यहां रेजिस्टेंस फेस करने के बाद देखिए फिर अगली बार ये जो है 1520 के लेवल पर फिर इसने जो है रेजिस्टेंस लेना चालू किया है। इसको हम थोड़ा और जो है एक्सटेंड कर लेंगे, मतलब आगे फ्यूचर के लिए, और इसको भी हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे यहां पर आगे फ्यूचर के लिए। तो अब ये देखिए क्या हो रहा है, यहां पर 1360 और ऊपर का जो लेवल है वो है 1520 रुपए का, इसी रेंज के अंदर ये नियर अबाउट अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, तो ये 5 महीने जो है कंटिन्यू इसी रेंज के अंदर इसने ट्रेडिंग की है एसीसी सीमेंट ने, ठीक है, इसी के अंदर ट्रेडिंग की है। तो नियर अबाउट इस 500 600 रुपए के अंदर, 1500 यहाँ पर 1300, 200 250 रुपए के अंदर इसने कंटिन्यू यहां पर ट्रेडिंग की है, ठीक है ना सर। उसके बाद देखिए अब क्या हो रहा है, अब यहां पर ये देखिए हायर लो, हायर हाई एक बना है और यहां पर इसने अब एसीसी ने हायर लो बनाना चालू कर दिया। हायर लो हम उसको बोलते हैं जो अगला जो ये मतलब ये आपका जो हायर बना हुआ है, हाई जो बना हुआ है ये पिछले हाई से नीचे होता है उसको हम हायर लो बोलते हैं, और जो हाई पिछले हाई से ऊपर बनता है उसको हम हायर हाई बोलते हैं। तो इसका भी कंसेप्ट मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा, ये भी अच्छे से समझा दूंगा। तो फिलहाल हम आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं आगे हमने अब कैसे अपनी एनालिसिस करनी है। तो यहां पर ये देखिए जब हमको 2 से 3 हमको हायर हाई सॉरी हायर लो मिल गए हैं, मैं इसको यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं तो आप लोग को जो है अच्छे से दिखाई देगा। तो ये देखिए हमको यहां पर जो है 1 2 3 एंड 4, 4 हमको हायर लो मिले। तो हमने क्या किया, जब हमको यहां पर 2 हायर लो मिल चुके थे तो हमने यहां पर जो है देखिए मैं आपको यह समझाता हूं, हमने यहां पर जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली थी, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये कंटिन्यू देखिए नीचे हमारे पास सपोर्ट है, जब यहां पर आएगा तो हम जो है यहां से बाइंग करेंगे तो, और इसको जो है हम एक्सटेंड कर लेंगे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, कि मतलब आगे क्या होने वाला है हमको नहीं पता है। अब यहां पर जब आता है हैमर कैंडल बनाता है, ठीक है, और यहां पर जब ऊपर जाकर ट्रेंड लाइन को टच करता है हम यहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर नीचे की तरफ आएगा हम इसको बाइंग करेंगे, फिर ट्रेंड लाइन टच करेगा हम इसको जो है अपनी पोजीशन कट कर देंगे। बट यहां पर देखिए स्टॉक किस तरह से, स्टॉक का बिहेवियर देखिए किस तरह से ये काम कर रहा है। अब यहां पर देखिए ये जो एरिया है नियर अबाउट 1390 रुपये पर, 1 2 3 4 5, इसने 5 दिन जो है कंटिन्यू इसी लेवल पर आके सस्टेन किया है, ना तो इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। तो हमको यहां पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहां पर मिल गया। अब ये देखिए यहां पर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हो गए हैं, एक ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और दूसरा जो है ये हमको हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस है। तो जब 2 रेजिस्टेंस एक साथ होते हैं वो रेजिस्टेंस या तो बहुत मजबूत होते हैं या तो अगर वो ब्रेक होते हैं तो उसके बाद जो है मूवमेंट बहुत ही अच्छी होती है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, 5 दिन कंटिन्यू सस्टेन करने के बाद फाइनली इसने इसको यहां पर ब्रेक कर दिया है,
ठीक है। ब्रेक करने के बाद ये देखिए कुछ रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया है। रीटेस्ट करने के नीचे आने के बाद यहां पर ये जो येलो जो है कलर जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, यहां पर रेजिस्टेंस था, तो इसने रेजिस्टेंस को भी कंटिन्यू ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकल गया है। ऊपर की तरफ जाने के बाद हमारी एंट्री यहां पर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर तो हमारी एंट्री यहां पर हो चुकी है तो हम नियर अबाउट यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर हम यहां पर अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, और ये देखिए यहां पर कुछ ऐसा साइन नहीं मिला कि प्रॉफिट बुक किया जाए, क्योंकि ये जो है काफी अच्छी तेजी में निकल रहा था। तो ऊपर की तरफ जहां तक जाता है इसको जाने दीजिए, ठीक है। और यहां पर हमको एक जो है ये देखिए रेजिस्टेंस हमको यहां पर मिल गया है। ये देखिए इस लेवल पर हम जो है देखिए इसने ऊपर से जो है शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। तो ये अब जो है रेजिस्टेंस पर अगर कोई भी जो है कैंडल इस तरह की बनती है, शूटिंग स्टार जो है बेरिश टाइप की कैंडल होती है, तो वो हमको एक साइन होता है कि अब हमको यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट बुक करने के बाद देखिए हम दोबारा हमारी एंट्री कहां पर होगी, जैसे यहां पर ये देखिए एक ब्रेकआउट हुआ है 5 महीनों के बाद, यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट होने के बाद अब देखिए जब ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा तब हमारी यहां पर एंट्री होगी। तो ये देखिए जब रीटेस्ट करने के लिए यहां पर नीचे आ रहा है तो एग्जैक्टली इसने जो है हमने पीछे जो रेजिस्टेंस जो था हमारा वो अब जो है सपोर्ट बन चुका है, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये देखिए अब ये जो है सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहां पर अब हमारी एंट्री हो जाएगी, यहां पर एंट्री होगी। तो ये देखिए अब ये ऊपर की तरफ कहाँ जा रहा है, तो मैं इसको जो है थोड़ा यहां से हम एक ट्रेंड लाइन यहां से भी ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। क्योंकि हमको यहां पर दो हायर हाई मिले हुए थे, जब यहां पर दो हायर हाई मिल गए तो हमने यहां पर जो है हमको एक ऐसी ट्रेंड लाइन मिल गई थी। अब जैसे जैसे ये स्टॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है, दिन गुजर रहे हैं, तो हम इसको जो है एक्सटेंड कर लेंगे कि ये आगे जाकर भी कहीं इस लेवल को टच कर सकता है। तो हम यहां पर थे, तो ये देखिए यहां पर नियर अबाउट इसने ट्रेंड लाइन के नियर अबाउट ही कहीं इसने रेजिस्टेंस लिया, और देखिए ट्रेंड लाइन को बिल्कुल टच तो नहीं किया एग्जैक्टली, बट इसने जो यहां पर कैंडल जो बना दी है ये एक फुल बियरिश कैंडल बना दी है। और ये कैंडल जो है देखिए शूटिंग स्टार है, तो ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद देखिए एक बार थोड़ा नीचे आया, नेक्स्ट टाइम जाके फिर इसने इसी लेवल पर जो है यहां पर देखिए इसी लेवल पर नियर अबाउट कह सकते हैं रेजिस्टेंस लिया है, और रेजिस्टेंस लेने के बाद फाइनली देखिए ये नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है सर। यहां देखिए यहां नीचे की तरफ ये आ गया, हाँ यहाँ नीचे की तरफ। अब ये जो हमारा जो हमने यहां पर पीछे जो ड्रॉ करके रखा हुआ था इसको हम थोड़ा एक्सटेंड और कर लेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए हमने क्या किया, हमने इसको यहां पर एक्सटेंड कर लिया, और नियर अबाउट यहीं पर आके इसने जो है एक सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट ले लिया है, इतना तो चलता है मार्केट में। और उसके बाद देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक ये जो है रेलवे ट्रैक पैटर्न बना रहा है। देखिए सबसे पहले तो आपको कैंडल स्टिक समझनी होगी कि कैंडल स्टिक कौन सी कैंडल स्टिक को हम क्या कहते हैं, और ये पैटर्न किस तरह काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न को आप हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ही फॉलो करिए, इसको कहीं बीच में फॉलो मत करिए, अदरवाइज आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये देखिए यहां पर इसने एक रेलवे ट्रैक पैटर्न बनाया हुआ है, सेकेंडली जो है यहां पर एक सपोर्ट है, तो यहां पर हमारी कंफर्मेशन हो गई। और जैसे इस कैंडल जैसे रेड कैंडल बनाया फिर हाई ये एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो ग्रीन कैंडल को जैसे इसने क्रॉस किया है यहां पर हमारी एंट्री हो जाएगी। मतलब जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूं मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप किस तरह से करते हैं या कोई किस तरह से करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल बता रहा हूं, मैं इस तरह से ट्रेड करता हूं। तो यहां पर होने के बाद मैं नियर अबाउट ये जो पीछे हमने जो रेजिस्टेंस ये ड्रॉ कर रखा था, तो नियर अबाउट मैं यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेता, बट यहां पर ऐसा कोई साइन नहीं मिला कि प्रॉफिट मैं बुक कर लूं, ठीक है ना। तो हमारा ये देखिए ये अगला कैंडल जो है ये देखिए फाइनली इसने इसको हमने जो पीछे से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी यहां पर देखिए इसने इस ट्रेंड लाइन को अब टच कर दिया है। ये ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद समझ लीजिए कि हमारा यहां पर प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, बट हम इसको इस तरह से प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। यहां पर एक देखिए यहां पर एक बुलिश बियरिश हरामी टाइप की ये कैंडल बन रही है, बियरिश हरामी टाइप की कैंडल बन गई। अगले दिन जब इसने इसका लो ब्रेक कर दिया तो हमारे यहां से जो है एग्जिट हो जाएगी। और सेकेंडली देखिए यहां पर जो है एक और हम कंफर्मेशन ले सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमने यहां पर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहीं से ले लेते हैं, बहुत दूर गया जो नहीं जाना है। तो यहां पर देखिए इस तरह से एक ये समझ लीजिए ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। सेकेंडली यहां पर जो है रेलवे ट्रैक पैटर्न बना,
थर्ड यहां पर जो है एक सपोर्ट था। तो यहां पर देखिए, आपको कभी भी कोई भी एंट्री लेने के टाइम में आपको सिर्फ एक कंफर्मेशन पर मार्केट में जंप नहीं कर देना है, आपको नियर अबाउट 2 से 3 कंफर्मेशन चाहिए। अगर आपके पास 2 से 3 कंफर्मेशन है, तब आप उसमें जो है स्टॉक में एंट्री लेने में आपको डर नहीं लगेगा। अदरवाइज आपको जो है डर लगेगा कि ये स्टॉक ऐसा ना हो कहीं इसका फेक ब्रेकआउट हो और ये स्टॉक फिर नीचे की तरफ आ जाए और मेरा एसएल हिट हो जाए। तो इस तरह से मतलब ऐसा माइंडसेट से बचने के लिए हम जो है मल्टी कंफर्मेशन को यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, इसने फाइनली जो है हम यहां पर थे, इस ट्रेंड लाइन को टच किया है। इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद ये जो हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ था, ये देखिए, अब इसको यहां पर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था हमने। अब ये देखिए, इस रेजिस्टेंस को इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये 1715 रुपये पर ड्रॉ किया हुआ है और इसको जो है इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। और नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद देखिए अब क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद यहां पर जो इसका हाई ये जो लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हाई लगा हुआ है एग्जैक्टली इसी लेवल पर जाके, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, अब इसका काम खत्म हो गया। तो एग्जैक्टली इसी लेवल पर जाके इसने जो है इसको रीटेस्ट किया है। तो देखिए, कभी भी मार्केट में ब्रेकआउट होने के तुरंत बाद आपको एंट्री नहीं लेनी है। जैसे ही वो स्टॉक रीटेस्ट करने के लिए आता है, रीटेस्ट करने के बाद आपको जो है अगली कैंडल का वेट करना है। अगली कैंडल उसका उसके हाई को ब्रेक करनी चाहिए या उसके लो को ब्रेक करनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे ये देखिए, यहां पर जब इसने ट्रेंड लाइन को टच किया, ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद ये देखिए, इसने ये रेजिस्टेंस जो था इसके लिए सपोर्ट बन चुका था। अब इसने सपोर्ट को यहां ब्रेक कर दिया, तो हमने यहां पर एंट्री नहीं लेनी है। अब ये देखिए, यहां पर रीटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद ये कैंडल देखिए आप, ये जो कैंडल देख रहे हैं रेड कलर की ग्रीन के बाद, ये देखिए कितना अच्छा एक जो है बेरिश टाइप की इसने कैंडल बना दी है, शूटिंग स्टार बनाई है। और ये देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था, और यहां पर इसका जो है लो ब्रेक कर दिया है इसने, ये देखिए यहां पर इसका लो ब्रेक कर दिया है। जो अपना इसका लो लगा था, फिर रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद जो पिछला लो था इसका लो ब्रेक कर दिया है। तो फाइनली यहां पर हमारी एंट्री हो जाएगी। यहां पर एंट्री होने के बाद जो है ये देखिए उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद शू ये देखिए कहां से कहां तक, 1671 रुपये पे हमारी एंट्री थी और नियर अबाउट 1490, ये कितनी थी, 1670 मान लीजिए, और यहां पर नियर अबाउट 1500। तो हमको लमसम 180 रुपये का प्रॉफिट हमको यहां पर मिल गया है। ये सपोर्ट मैं थोड़ा इसको एग्जैक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या हो रहा है, अब ये जो नीचे हमारे पास ये सपोर्ट लाइन जो हमको यहां पर हमने ड्रॉ करके रखी हुई है, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसको हमने थोड़ा ये देखिए एक्सटेंड कर दिया। तो ये देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन को टच किया था इसने, टच करने के बाद देखिए यहां पर जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस था, अब वो लाइन जो है हमने एक्सटेंड कर ली थी। तो यहां पर देखिए एक सपोर्ट इसको मिल गया। सपोर्ट मिलने के बाद देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ये देखिए ये जो कैंडल इसने एक बनाई है, देखिए कितनी अच्छी जो है इसने एक बुलिश कैंडल बनाई है। इसको इसको हम हैमर कैंडल कहते हैं। ये देखिए हैमर कैंडल बनाने के बाद जो है जब इसका हाई ब्रेक हुआ है, तब हमारी जो है यहां पर एंट्री हो गई है। और ये देखिए अब क्या हो रहा है, यहां पर हम जो है चाहे तो एक इस तरह से रेजिस्टेंस लाइन हमने अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए किसने पहले भी यहां पर रेजिस्टेंस लिया था, यहां पर ये देखिए, ये देखिए रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो ये देखिए एग्जैक्टली ये हैमर कैंडल बनाने के बाद जब हमारी यहां पर एंट्री हुई है, तो 1550 पर एंट्री हुई है। और ये देखिए यहां पर जहां फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया था, यहां पर नियर अबाउट हमको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और यहां पर इसने रेजिस्टेंस लेके फिर जो है इसने नीचे की तरफ मूवमेंट की है। उसके बाद फिर जो है एग्जैक्टली उसी लेवल पर आके इसने ये देखिए अगली कैंडल फिर जो है एक बुलिश हैमर कैंडल बना दी है। तो देखिए मैं एसीसी सीमेंट में अक्सर देखता हूं कि जब यहां पर बुलिश हैमर कैंडल बनता है, तो ये स्टॉक ज्यादातर ऊपर की दिशा ही पकड़ लेता है। अदरवाइज जो है अगर ऊपर की तरफ जो है इसमें ये शूटिंग स्टार कैंडल, मैं इसमें यही चीज फॉलो करता हूं कि एसीसी सीमेंट में जो है हैमर और अपना जो है बुलिश हरामी, बियरिश हरामी और शूटिंग स्टार कैंडल बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो मैं जो है इसमें अक्सर इन सब कैंडल के बाद 2-3 कन्फर्मेशन होने के बाद इसमें एंट्री अक्सर ले लिया करता हूं। तो इसको मैं यहां पर डिलीट कर देता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर हमको एक हायर हाई यहाँ पर मिल रहा है, उसके बाद फिर हमको एक हायर लो मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, वैसे अगर हम चाहें तो इसको एक रेजिस्टेंस यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज हमको यहाँ पर दो हायर हाई हायर लो यहाँ पर मिल ही रहे हैं, तो हम इसको क्यों ना इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक हमने यहाँ पर बना दी, और सेकेंडली एक ये देखिए यहाँ पर एक ही चैनल के रूप में काम करना चालू कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, सपोर्ट लेने के बाद ये जो है हमको यहाँ पर दो हायर लो मिल गए, तो हमने एक ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कर दी इस तरह से। ये देखिए हमने मान लीजिए यहाँ तक हमने ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कर दी थी, उसके नेक्स्ट टाइम आके फिर जो है ये इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, तीसरी बार भी आकर इसने यहाँ पर एक देखिए हैमर कैंडल बनाई है। हैमर कैंडल बनाने के बाद फिर जो है ये ऊपर की तरफ गया है। अब ये ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकता है ये किसी को नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने टेक्निकल एनालिसिस जारी रखेंगे, हम जो है इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पर हमको एक रजिस्टेंस मिल गया। अब रजिस्टेंस के पास हमको देखिए कितना अच्छा है शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद जैसे इसका लो ब्रेक हुआ है, हमारी इसमें सेल साइड की एंट्री जो है एग्जीक्यूट हो जाती है। और ये देखिए अब यहां पर भी जो है हमको, मैं आपको ये ऐसे कर दिखा देता हूं, ये देखिए यहां पर जब ये चैनल का रूप लेने जा रहा था, तो हमने यहां पर एक लोअर लो और यहां पर भी एक लोअर लो मिलाने के बाद हमने एक ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कर ली। और सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम देखिए यहीं पर आके एक्सटेंड लेने के बाद, आप इसमें एक चीज फोकस करिएगा, नोट करिएगा, यहां पर जब भी हैमर टाइप का कैंडल बनता है तो स्टॉक जो है 2 से 3 दिन या 4 दिन, जैसे आप छोटे टर्म की जो है ट्रेडिंग करते हैं 3 से 4 दिन के लिए, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और ये देखिए नेक्स्ट टाइम भी जो है इसी ट्रेंड लाइन पर आके इसने रजिस्टेंस लिया है, सॉरी यहां पर ही आके इसने रेजिस्टेंस लिया है, फिर नीचे है, फाइनली इसने जो है इसको ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक हम कहां पर देखेंगे कि हाँ यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है, यहां पर देखिए इस तरह से हम जो है एक यहां पर ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे, जहां से स्टॉक जो है पिछली बार भी यहां से रिटर्न हो गया था और इस बार भी गया है, तभी ये 1540 के लेवल से रिटर्न हुआ, उसके बाद फिर यहां पर एक देखिए ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट, इस तरह के ब्रेकआउट में हमने एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि यहां पर रीटेस्ट होने का मौका ही नहीं मिला है, ठीक है ना। और रीटेस्ट अब इसको भी जो है हम यहां पर देख लेते हैं नियर अबाउट, ये देखिए कहीं इसी के आसपास जाके इसने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल बनाई और फिर एग्जैक्टली नीचे की तरफ। अब ये देखिए नीचे कहाँ तक आया है, ठीक है, नीचे ये देखिए जो प्रेवियस लो लगा हुआ था एग्जैक्टली उसी लेवल पर आके इसने जो है सपोर्ट लिया है। और यहां पर देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, इसने फिर एक जो है हैमर कैंडल बनाई और हैमर कैंडल बनाने के बाद फिर जो है ऊपर की तरफ निकल गया है। चलिए आइए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहां पर देखिए यहां पर भी नियर अबाउट एक चैनल में काम करना इसने चालू कर दिया। तो इस तरह से आप जो है अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको करके बता रहा हूं। तो ये चैनल में कंटिन्यू चल रहा था, जैसे मैंने आपको पीछे बताया यहीं ऊपर ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर टच कर रहा है, नीचे जा रहा है, फाइनली इसने जो है यहां पर ये देखिए यहां पर इसको एक ये देखिए यहां पर आके 4-5 दिन इसने सस्टेन किया था और फाइनली यहां पर इसका ब्रेकआउट कर दिया। और ब्रेकआउट भी देखिए यहां पर कंटिन्यू सस्टेन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये देखिए एक डाउन ट्रेंड में ही इस तरह यहां पर आने के बाद कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड इसने पकड़ लिया था। अब जो है आज के सिचुएशन में क्या हो रहा है, मैं वो चीज आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए यहां पर सबसे पहले तो हम ये टू लोअर लो पकड़कर हमने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, जो मतलब आज के सिचुएशन में जो चल रहा है वो चीज बता रहा हूं, और पिछला जो है ये हमने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो नियर अबाउट देखिए इसी लेवल पर आके यहां से सपोर्ट लेकर यहां से उठ जाता है, ऊपर की तरफ चले जाता है। बट यहां पर जो आज की सिचुएशन जो और मैं आपको यहां पर भी एक दिखा देता हूं, यहां पर भी जो है काफी दिन सस्टेन किया इसने इस लेवल पर, नियर अबाउट 1470 रुपये के लेवल पर काफी दिन सस्टेन किया। और हमने ये जो है लोअर लो मिलाकर जो हमने ट्रेंड लाइन हमने बनाई हुई है, यहाँ पर 3 लोअर लो आप देख सकते हैं, और फाइनली अब इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। तो अब आप लोग को आने वाले टाइम में क्या करना है, मैं उसकी एनालिसिस आपको करके बता देता हूं। तो यहां पर ये देखिए यहां पर एक जो है अब यहां पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, कहां पर, जहां पर इसका एक पिछला प्रीवियस हाई लगा हुआ है, तो ये 1540 और 1550, तो इसके बीच में जो है एक रेजिस्टेंस ले रहा है।
तो अभी मेरी ये एडवाइस है कि जैसे ही ये 1540 का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें जो है आपकी एंट्री जो हो सकती है 1590 रुपये के लिए और 1650 रुपये के लिए, इन दो टारगेट के लिए आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए आइए हम अगला स्टॉक अपना देख लेते हैं, अगले स्टॉक के एनालिसिस कर लेते हैं। अगला स्टॉक है हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट। तो आइए देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट की मैं आपको बिहेवियर समझा दूं कि अल्ट्राटेक सीमेंट किस तरह से काम करता है। यहां देखिए अब हम यहां से ले लेते हैं निर्बाउट, इसको हम ये तो जनवरी 18 हो, काफी दूर हो गया। हाँ हम यहां से ले लेते हैं, ठीक है 1.5 साल की एनालिसिस मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो चलिए हम अब यहां से शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं अब पहले इसकी सेटिंग, हाँ चलो सेटिंग ठीक है ओके है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, हम यहां से जो है स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास यहां पर देखिए एक रेजिस्टेंस यहां पर है, एक रेजिस्टेंस यहां पर है, ठीक है। तो हमने जो है पीछे एक ऐसी इस तरह से मान लीजिए हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये जो नीचे की तरफ आया है, मैं यहां पर भी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिए, तो ये देखिए लास्ट टाइम इसने यहां पर जो है सपोर्ट लिया था अल्ट्राटेक सीमेंट ने, तो हमने इसी जो है ट्रेंड अपना सपोर्ट को एक्सटेंड कर लिया और आगे की तरफ ले आए, और ऊपर जो है यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया था तो हमने यहां पर जो है ये अपना रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लिया था। अब हमको जब भी स्टॉक इस लेवल पर मिलेगा तो हम इसको बाइंग की तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे, बाइंग की तरफ हम तभी देखेंगे जब हमको मल्टी कंफर्मेशन यहां पर मिलेंगे या हमको दो से तीन कंफर्मेशन हमको मिलेंगे तब हम इसमें जो है बाइंग की तरफ देखते। अदरवाइज देखिए अब यहां पर इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दी, ठीक है। शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद इसने 3 बार इस जगह पर जो है सपोर्ट लिया है, ये देखिए देख रहे हैं आप, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम, 3 टाइम यहां पर सपोर्ट लेने के बाद जो है इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद देखिए इसने जो पिछला हमारा सपोर्ट था वहां पर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहां से ये जब ऊपर की तरफ निकला है, जो ऊपर रेजिस्टेंस था ऊपर तरफ निकलने के बाद यहां पर ये देखिए छोटा सा इसने एक रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करने के बाद इसको हम फिर एक्सटेंड कर देंगे। अब ये देखिए हमने इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, यहां पर जाकर इसने फिर एक रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर नियर अबाउट 5 से 7 दिन इसे नीचे सस्टेन किया और ऊपर फाइनली ऊपर की तरफ ब्रेक आउट कर दिया। तो यहां देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, तो 6 टाइम जो है इसका मतलब ये है कि ये जो है रेजिस्टेंस लाइन जो है, सॉरी 1 मिनट होल्ड करिएगा, तो हम यहां पर थे कि अपना, चलिए हम इसमें फिर शुरू करते हैं। तो ये देखिए हम इसमें अगर एक लॉन्ग टाइम के व्यू से अगर हम देखें तो हमको ये चीज मिलेगी, ये देखिए जो अल्ट्राटेक जो सीमेंट है वो काफी दिनों तक इस रेंज में रहा है, ये देखिए। अब हमारे पास ये मतलब नियर अबाउट आप कह सकते हैं 4510 रुपये और नीचे का जो लेवल है वो है 3850 रुपये, तो नियर अबाउट आप ये कह सकते हैं कि 600 700 के नियर अबाउट, 700 के बीच में इसने कंटिन्यू ट्रेडिंग की है। तो हम जो है यहां पर थे, तो चलिए यहां पर देखिए यहां पर भी जो है इसने एक रेजिस्टेंस लिया है और ये जो रेजिस्टेंस को हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम जब इसको यहां तक ड्रॉ कर लेंगे अब देखिए इसने ये लेवल ब्रेक किया है, ये लेवल जो आपका आता है 4350 रुपये का, 4350 रुपये का लेवल ब्रेक करने के बाद नीचे आया और नीचे आने के बाद कंटिन्यू इसने जो है ऊपर जाके रिटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने फिर नीचे की तरफ का मूवमेंट कर दिया है, फाइनली अपना लास्ट वाला लो ब्रेक किया है, इसका ये जो लो था ये देखिए जो मैंने आपको बताया था पीछे जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी यहां पर सपोर्ट लाइन बन चुकी है। तो अब इसको ब्रेक कर फाइनली इसने ये जो पीछे से एक लॉन्ग टर्म की ये जो सपोर्ट लाइन चली आ रही है इसी पर आके इसने जो है सपोर्ट दिया है। तो आइए अब आप ये देखिए अब ठीक है यहां पर सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट लेने के बाद और हमारे पास ऊपर ये जो है कि लॉन्ग टर्म की ये अपनी रेजिस्टेंस लाइन यहां पर है, तो यहां पर ये कंटिन्यू अब देखिए इसी रेंज में अब ये चल रहा है, जैसे जैसे रेंज पहले बनाई हुई थी, ये देखिए यहां से लेकर जो ये रेंज पहले बनी हुई थी इसने यहां पर ब्रेकआउट तो दिया, ब्रेकआउट देने के बाद बट ये सस्टेन नहीं कर पाया और सस्टेन ना कर पाने के बाद ये देखिए फाइनली अपने लास्ट वाले सपोर्ट पर ही आकर इसने जो है
सपोर्ट लिया। अब ये देखिए फाइंडी फिर इसने जो है उसी रेंज के अंदर जो है घूमना चालू कर दिया है। ऊपर का जो रेंज है वो है 4500 रुपये और जो नीचे का रेंज है वो है 3820 रुपये। अब कंटिन्यू जो है इसी रेंज बनाकर घूमना शुरू कर दिया इसने। तो यहां पर मैं आपको एक चीज और दिखा दूं। हाँ ये देखिए यहां पर हमको दो लोअर हाई मिले हुए थे, हायर लो मिले हुए थे। तो अब जो है देखिए हमने यहां पर अपने एनालिसिस किस तरह से करनी है। अब जैसे ये हमको अपना इस सपोर्ट पर मिला, इसको ब्रेक किया हमने सेल किया, इस सपोर्ट पर मिला सेल किया, फाइनली हमको जो लास्ट वाले सपोर्ट पर मिला जो कि बहुत मजबूत सपोर्ट है, यहां पर सपोर्ट मिलने के बाद हमारी जो है कंटिन्यू यहां से बाइंग हुई, फिर यहां सेलिंग हुई। मतलब जब जब हमको इस लाइन पर हमको इस 3850 के लेवल पर मिलेगा तब तक हमने इसको बाइंग की, और जब जब ये हमको ऊपर के लेवल पर मिला तब तक इसमें हमने सेलिंग बनाई। तो यहां पर अब देखिए यहां पर जो हमको जो लोअर हाई जो हमको मिले हुए हैं हमने इसी को एक्सटेंड कर दिया। इसको एक्सटेंड करने के बाद फाइनली यहां पर हमको एक ब्रेकआउट मिल गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। यहां ट्रेंड लाइन का हमको ब्रेकआउट मिल चुका है। सॉरी मैं इसको थोड़ा सा जो है ना तो हमको ये देखिए अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर जो है यहां पर इसने 3 से 4 दिन यहां सस्टेन किया और फाइनली इसका ब्रेकआउट कर दिया। अब इस तरह के ब्रेकआउट मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत अच्छे होते हैं और जो है काफी अच्छी मूवमेंट देके जाते हैं। अब देखिए हमारे पास अब आगे का जो है फ्यूचर में जो आने वाला टाइम है उसमें हमने क्या करना है, और एक चीज मैं आपको यहां से नीचे से और दिखा दूं। यहां पर अगर हम चाहें तो एक ट्राइंगल टाइप का पैटर्न यहां पर बन रहा है, वो भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए तो एक जो ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है और ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न। तो ट्रायंगल पैटर्न होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है, इस तरह के कई पैटर्न होते हैं। ये सब चीजों के कॉन्सेप्ट में ले आऊंगा, ये सब चीजों के बारे में, सारे पैटर्न के बारे में आपको जो है एक ही वीडियो या उसके 2 या 3 पार्ट बनेंगे, उसमें मैं आपको सारा समझा दूंगा कि ये पैटर्न किस तरह से वर्क करते हैं। और 2-3 जो है वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न पर कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से काम करते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फाइनली इसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ है। अब हमको आने वाले टाइम में क्या करना है ये देखिए। अब ये जो है जो इसका ला ये पीछे से यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, ये कब से चला रहा है, 2017 से। तो 2017 से जो है ये रेजिस्टेंस इसके लिए एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसको यहां पर जो है इसका ब्रेकआउट किया तो था बट ये ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं हो पाया था, और जो है फाइनली इसने अपने लास्ट वाले सपोर्ट को टच कर लिया। अब हमको ये करना है कि जब ये 4560 रुपये का लेवल जब निकालता है, याद रखिएगा लेवल ध्यान सुन लीजिएगा, 4560 रुपये के ऊपर जब ये सस्टेन करना चालू कर देता है तब आप इसमें जो है एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। उसमें हमारा पहला टारगेट होगा 4700 रुपये और नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 4900 रुपीज। तो इस तरह से इसमें जो है अभी ट्रेडिंग की जा सकती है। तो फाइनली मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है वीडियो समझ आई होगी, जो है एनालिसिस आपको कुछ कुछ जो है करना आ जाएगा। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएंगी। और मेरी कुछ आज जो है तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके चलते जो है वीडियो मैं आपको एक वीडियो और बनानी थी वो मैं नहीं बना पाऊंगा। अभी देखिए मैं वीडियो के बीच में भी जो है मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मेरे को वीडियो बीच में पॉज करना पड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्तों को, मेरे जो भी मेरे सज्जन मित्र वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई इश्यू है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो आपके इश्यू सॉल्व करूंगा। और फाइनली आप मुझे बताइए कि आपको आने वाले टाइम में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दूंगा। और मेरे जो भी सज्जन दोस्त मेरे जो यहां पर नए हैं, जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, थैंक यू।